जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला रेड्डी का टिकट कटा। डीएसपी ने श्याम सिंह यादव को मैदान में उतारा। जौनपुर की राजनीतिक समीकरण तेजी से बदला। जौनपुर की राजनीति में एक बार और भूचाल आ गया है। बसपा की टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला रेड्डी का टिकट कट गया है। अब वहां से सिटिंग सांसद श्याम सिंह यादव चुनाव लड़ेंगे। इसकी पुष्टि वो खुद प्रेस वार्ता कर दी है। जमानत पर जेल से छूटने के बाद धनंजय सिंह ने खुद कहा था कि वो सीधे जनता के बीच जाएंगे और पत्नी के प्रचार पर ध्यान देंगे, लेकिन अब टिकट कटने के बाद जौनपुर की राजनीति का समीकरण तेजी से बदला है। अब सबकी निगाहें धनंजय सिंह और उनकी पत्नी श्री कला रेड्डी पर हैं। आखिर वो अब क्या करेंगी? इसके पहले खुद धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे थे। हालांकि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सजा होने के बाद वो चुनाव नहीं लड़ सके थे। राय नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, और ऐसे नाजुक मोड़ पर, ऐसे क्रूशियल समय पर और ऐसे आखिरी पल पर, क्षण पर अगर किसी को किसी साथ ऐसा होगा तो अच्छा ही महसूस करेगा। और माननीय बहन जी ने जो मुझमें विश्वास जताया है आखिरी क्षण में, वो बहुत सराहनीय है और मैं उनका बहुत आभारी हूं। और आगे जौनपुर की जनता के साथ कमर कसकर हमेशा खड़ा रहूंगा। अगला कदम आपका क्या होगा? अभी आज क्या करने वाले हैं? किस तरीके से नामांकन, क्या प्रक्रिया करने वाले हैं? जो नामांकन होता है अभी संभवतः 1 बजे के पहले मेरा वो सिंबल आ जाएगा। 1 बजे का टाइम रखा है, आसपास थोड़े मोटे देर भी हो सकती है। हम बहुत साधारण ढंग से जाएंगे। मेरे को वैसे तो मेरे को टाइम बहुत कम मिला कि मैं बहुत फौज फाटा जुटाऊं, सैकड़ों 150 गाड़ियां, लेकिन अगर टाइम होता तो भी मैं नहीं जुटाता, क्योंकि मैं बहुत सरल और बहुत साधारण ढंग से अपने नामिनेशन को करना चाहता हूं। और जौनपुर की जनता को इस बात को भी समझना चाहिए। सांसद जी, आप वर्तमान में सांसद थे, फिर आपका टिकट काट करके उन्होंने श्री कला को दे दिया, क्या कारण रहा होगा? नहीं नहीं, मेरा टिकट इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। मैं खुद चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं था। आप लोगों ने अभी कुछ महीने पहले मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और मैंने खुलेआम सरेआम डिक्लेयर किया था कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, बशर्ते कि यदि कोई आदमी मुझ पर भरोसा इतना जताए कि जोर देकर कहे कि चुनाव लड़ना है, बीच में कहीं कुछ एक किसी ने भरोसा दिया था, लेकिन उस भरोसे पर मैं तैयार भी हो गया था मन ही मन, और काफी अंदरूनी तैयारी भी की थी, लेकिन वो भरोसा मेरा टूट गया। क्या घटनाक्रम हुआ जो आपको एकाएक टिकट मिल गया? कैसे हुआ ये सब? और क्या करते हैं घटनाक्रम डालना? नहीं, घटनाक्रम की यहां तक बात है, कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। अगर आप मुझे विश्वास करते हैं, हर बात मैं सही बोलता हूं, मैंने कहीं किसी को सिफारिश नहीं की कि मुझे टिकट दिया जाए। आप इस पर विश्वास करें या ना करें, मैं आज सुबह बाहर निकलने वाला था, बल्कि वरुणा से मेरा रिजर्वेशन था, सुबह चला जाता मैं और लखनऊ से फिर मैं चला जाता बाहर बॉम्बे, लखनऊ में कुछ काम था। लेकिन रात को मैं इसलिए जल्दी सो गया था कि 5 बजे उठ करके ट्रेन पकड़ूं, तो मुझे रात को माननीय बहन जी का टेलीफोन आया कि तुम्हें चुनाव लड़ाना चाहती हूं, तैयार हूं। हमने कहा अगर आपका आदेश है तो मैं एकदम तैयार हूं। और आज मैंने आगे का प्रोग्राम अपना कैंसिल करके, तो बहुत चांस के संयोग की बात है। बसपा को बीजेपी की बी टीम कहते हैं लोग, और ऐन वक्त में इस तरह टिकट बदल लेना, जिस तरह धनंजय सिंह आए थे, एक तरह से लग रही थी बीजेपी का वोट कट रहा है, आप क्या लगता है, आप भी काट पाए? आप कहते हैं, लोग कहते होंगे, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं मानता। ठीक है, बसपा पिछली बार भी मैंने जीत दर्ज की थी जौनपुर की जनता की बदौलत, सपा गठबंधन। हाँ, और देखिए मैं कहता हूं कि इस बार भी एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी है कि अगला एमपी, वो महीनों पहले कह दिया था कि अगला एमपी जौनपुर का आपको ही होना है देख करके,
तो मैंने कहा जब मुझे टिकट ही नहीं मिला तो मैं एमपी कैसे हूँ। तो उसने कहा जब इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा गणित मेरी विद्या यही कहती है। और जब मैंने फिर टेलीफोन किया कल टिकट का, आज आखिर एडमिशन को कलेक्ट किया कि हमने कहा कि आप तो कह रहे थे तो अगला एमपी मुझे होना है, तो और आज कल लास्ट डे है, अभी तक कहीं से कोई सुगुगाहट नहीं है। तो उसकी बात तो मुझे लगता है कि सही होती दिख रही है मुझे, क्योंकि 1 बजे मुझे एकाएक माननीय धान जी का टेलीफोन आया और मुझे कहा गया कि मैं आपको भरा श्रीवला का टिकट कटा। कितना नुकसान अचानक अब इससे क्या हम असेसमेंट अभी कर पाएंगे कि उनका टिकट करने से मुझे तो लगता है कि सब लोग मुझे तो लगता है कि सब लोग मेरे साथ ही रहेंगे। क्या इसका भी लाभ नहीं है? कोई बहुत जरूरी फोन है।